एएफसी कप मोहन बगान सुपर जायंट्स और ओडिशा एफसी, मतलब ओडिशा एफसी मोमता है बाय द वे। हाँ, तो ओडिशा एफसी और मोहन बगान सुपर जायंट्स चार गोल मार दिए, चार गोल भाई। मतलब एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने ओडिशा एफसी की, मुझे डेढ़ भाई कहीं से जर्सी मिल रही थी तो मैंने मंगा ली है सहल की, बाकी और मिलेगी तो मैं मंगाऊँगा। लेकिन लेट्स गो टू द एनालिसिस भाई, लेट्स गो। एंड कितना मतलब, चलो यार लेट्स गो। अब यहाँ पर तुम देख रहे हो 31, 32, 35 मिनट के ऐसे कुछ आसपास रेड कार्ड मिल जाता है फॉल को। एंड यहाँ पर फिर पूरा मतलब कंट्रोल यहाँ पर अब ओडिशा, वो सॉरी मोहन बगान पे आ जाता है। चलो आगे चलते हैं यहाँ पर। एंड अब गोल्स देख लेते हैं सहल के। पहले सहल का गोल देखो कैसे आया, कुछ पासिंग हुई बीच में थापा, देन अली, अनवर अली, फिर मनवीर सिंह और सहर का गोल यहाँ पर। उसके बाद पेटोटा सा गोल भाई, कमिंग्स का भाई यहाँ पर इन्होंने भाई टेक ऑन किया, उसके बाद रिकवरी भी बॉल की करी, फिर भाई कैरी भी करा, फिर मतलब पास किया पेटोटास को, पास डिफ्लेक्ट होके सहल के पास आता, सहल ने शॉट लिया और एक रिबाउंड में पेटोटास को गोल मिल जाता है। लेस्टन क्लॉसो का बेस्ट गोल लगा मुझे अभी तक का, क्या वेल वर्क गोल था मनवीर सिंह की बॉल भाई, क्या आदमी है भाई। कभी स्ट्राइकर देखता हूँ उसको भाई, कभी कहाँ देखता हूँ पता नहीं क्या है। और यहाँ पर लास्ट में पेट्रोटा से गोल भाई, बंदा फिसल गया और मतलब चेरी ऑन द आइस, आइसिंग ऑन द केक, सॉरी आइसिंग ऑन द केक। ओडिशा एफसी और मोहन बगान सुपर जायंट के ये एक्सपेक्टेड थ्रेट है। मोहन बगान के तुम देखना भाई, या तुम अभी मैं तुम्हें सब आगे दिखाता हूँ। शॉट्स यहाँ पर देख रहे हो तुम, यहाँ पर क्रिस्टन क्लासो के, पेट्रोटास के और एक सामा सहल का। वहीं ओडिशा एफसी के पास दो शॉट आ पाए, मतलब कंट्रोल पूरा खो चुके हैं आफ्टर लूजिंग अ मैन। और यहाँ पर तुम देख रहे हो बॉल मतलब सॉरी पासिंग देखो कितना मिडिल थर्ड पे कितना ज़्यादा स्प्रेड है। लेकिन इसको हम और अच्छे से देखें तो देख लो भाई, मतलब लेफ्ट साइड पे ये जो रेड वाले हैं तो जो अनसक्सेसफुल गए हैं वो इतने कम है। हाँ, और निकालने की कोशिश है, डायरेक्ट बॉल्स निकालने की कोशिश है, मतलब जो यहाँ पर मिडिल थर्ड के आगे पेनिट्रेशन जोन में, या फिर मतलब सीधे सीधे कहो कि फिनिशिंग जोन में जाने के बाद। अब यहाँ पर देखते हैं मिनट बाई मिनट क्या हुआ। तो अगर किसी ने मैच नहीं देखा है तो ये भाई बेस्ट मैच दिखाने के लिए कि 30 मिनट तक ओडिशा अपनी गेम खेल रही थी, मोहन बगान अपनी गेम खेल रही थी, रेड कार्ड हो जाता है यहाँ पर और ओडिशा अपना पूरा गेम खो बैठती है। धीरे धीरे मोहन बगान के पास देखना तुम, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं एंड देन लास्ट में तो पूरा कंट्रोल ही आ गया है भाई। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो जैसे पूरा मैप में ये पासिंग फ्लो मैप में ये पीछे से इन्होंने कितना काफ़ी गेम बनाने की कोशिश करी, थोड़ा राइट हैंड साइड यूज़ करने की कोशिश करी। लेकिन मोहन बगान ने इंडियाना मैच की बात करें तो पूरा मिडिल थर्ड उन्होंने कंट्रोल कर लिया, लेकिन की टेरिटरी हो गई। ये पासिंग नेटवर्क है यहाँ पर, कुछ ज़्यादा पासिंग नेटवर्क अच्छा नहीं बन पाया ये फॉल के, मतलब फॉल ये जो बंदा जो रेड कार्ड खाया और उसके बाद ये काफ़ी पीछे बैठ के खेलने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पर तुम देख रहे हो यार, एवरी वन हैज़ अ गुड पासिंग नेटवर्क, मतलब सबका आपस में अच्छा मतलब क्या कहते हैं रिश्ता है यहाँ पर। एंड बैक थ्री यूज़ करा उन्होंने भाई, और इट वॉज़ अ गुड डिस्प्ले भाई मोहन बगान, काफ़ी डोमिनेंट डिस्प्ले था जो कि हो चुका। लेकिन अब इसको हम देखते हैं पासिंग नेटवर्क को, कैसे देखो कैसे पासिंग नेटवर्क टूटेगा ये यहाँ पर ओडिशा एफसी का। पहला बनना थोड़ा स्टार्ट हुआ, थोड़ा बना ठीक है पीछे बैठे खेले, फिर थोड़ा बनना स्टार्ट हुआ यहाँ पर 15 से 30 में, और 30 से 45 में थोड़ा इन्होंने आगे फिर भी बनाने की कोशिश करी। लेकिन धीरे धीरे अब तुम इसको कंपेयर करो मोहन बगान से, यहाँ देखो भाई एवरी वन इज़ लिंकिंग अप विद देयर प्लेयर्स, देख रहे हो यार तुम, मतलब सब्स्टिट्यूशन होने के बाद भी इन्होंने देखो भाई काफ़ी वही मेंटेन किया, जो देखो ये है और ये काइंड ऑफ एक ही चीज़ है, बस डिफरेंस ये है कि क्या कहते हैं ये पीछे से स्टार्ट थोड़ा किया हुआ है और ये और आगे चढ़ के खेल रहे हैं। एंड यहाँ पर प्रेशर मैप है, यहाँ पर प्रेशर मैप पे तुम देख रहे हो कि 30 से हाफ टाइम तक इन्होंने प्रेशर देने की कोशिश करी, टॉप टू बॉटम पढ़ा जाता है इसको, और मतलब उनके फाइनल थर्ड में प्रेशर देने की कोशिश, मतलब एज़ कम्पेयर टू यहाँ इन्होंने भी दिए भाई, वैसे मोहन बगान ने भी दिए। मोहन बगान ने तो भाई पूरे मैच में मेरे से प्रेशर दिया, बस 15 से 30 मिनट में दिया, जहाँ पर ओडिशा का गेम देख लो 15 से 30 मिनट में ज़्यादा अच्छा चला। ये देखो ये रहा, तो भाई कुछ अच्छा हो सकता था अगर वो रेड कार्ड नहीं मिलता। अभी पूरा होल गेम के देखे तो उन्होंने भाई मोहन बगान की लेफ्ट साइड को प्रेशर ज़्यादा दिया है, और यहाँ पर मोहन बगान के यहाँ पर इन्होंने दोनों साइड भाई मोहन बगान के दोनों फुल बैक ने दोनों साइड प्रेशर दिया है। अब ऊपर से बैक फाइव खेल रहे हैं तो भाई दो अब तो विंग बैक बना दिया भाई इन्होंने।
ये बॉल रिकवरी है, तुम ये छोड़ो डिफेंस देखो, तुम देखो कितना पीछे बैठ के खेलना पड़ रहा है, तो सारा इनके हाफ पे ये डिफेंस है सारा, वहीं तुम मोहन बगान का पूरा स्प्रेड है। तो तुम्हें दिख ही रहा है, मैं अपनी बातें बस अब रिपीट कर रहा हूँ, ये फाइनल थर्ड में पासिस हैं, ये जोन 14 में एक पास नहीं निकाल पाए, वहीं फिर भी तीन निकाल लिए, राइट हाफ स्पेस में ये कितने पास निकालते हैं, पाँच निकालते हैं, और यहाँ का तुम 34 देख रहे हो भाई। एंड लेफ्ट हाफ स्पेस पे यहाँ पर इन्होंने 6 निकाले हैं, तो यहाँ के 36 निकाले हैं, ये प्रोग्रेसिव पासिस इन पेनल्टी एरिया या एक, यहाँ पर देख लो भाई 16 है। तो एक स्ट्रेट डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब मोहन बगान का, और एक रेड कार्ड का जो एडवांटेज उनको मिल गया, मतलब कि एक मैन डाउन हो गया, उन्होंने बहुत अच्छे से निकाल के, मतलब निचोड़ के पूरा मतलब इन्होंने किया। एनालिसिस मैं बहुत गहरी भी कर सकता हूँ, तुम बोलोगे भाई खाली स्टैट दिखा देता है, लेकिन पहले मुझे रिस्पॉन्स दिए भाई, रिस्पॉन्स मिलेगा तभी मैं थोड़ी उसको गहराइए में जाऊंगा, वरना तो भाई मैं देखो भाई मेरे पर नोट्स है, मैं नोट बनाता हूँ भाई मैच देखते देखते। तो ये एक छोटी सी है, ये भाई मैं ट्रैवलिंग नोटबुक है, एक भाई घर के लिए नोटबुक भी है, तो भाई मैं नोटबुक में बनाता हूँ मैचेस की भाई एनालिसिस पूरा भाई, क्या कहते हैं पिच बना के। तो मेरे अगर यूरोपियन वीडियो में, यूरोपियन फुटबॉल की वीडियो में तुम दे सकते हो। तो बाकी अभी ISL शुरू होने वाला है, लेट्स भाई होप कि भाई मज़ा आए इंडियन मज़ा आए। और लास्ट में अगर सब्सक्राइब, मतलब कंटेंट में यूनिक लगा है सब्सक्राइब कर दो, वरना ये वीडियो देख के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।